हाय एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग कोच। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। हालांकि प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी मेडिसिन जो ली जाएगी वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ली जाएगी। बट प्रेगनेंसी में कॉमन कंप्लेंट्स होती है फीमेल की, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर गैस फॉर्मेशन होना, या फिर पेन, फीवर, या फिर एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शंस के लिए ली जाती है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रीफली बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन फीमेल ले सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन एंड फीवर के लिए। कैलपोल, मेडिसिन का नाम है कैलपोल, आपने सुना होगा, मार्केट में अवेलेबल होती है पैरासीटामोल नाम से। ठीक है, डोज की बात करें 500 mg BD, मतलब 500 mg दिन में दो बार ली जाती है। साइड इफ़ेक्ट, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो रैशेज ऑन द स्किन, त्वचा पर रैशेज हो जाना, माइल्ड नोज एंड वॉमिटिंग, हल्की उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना, ऐसी शिकायत हो सकती है। देन हम बात करेंगे आयुबुजिसिक, मेडिसिन का नाम है आयुबुजिसिक, ड्रग नेम आयुब्रुफिन, मतलब मार्केट में आपको आयुब्रुफिन के नाम से भी मिल जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें डायरिया, मतलब दस्त होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द, माइल्ड नोज एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना, ऐसी शिकायत हो सकती है आयुबुजिसिक लेने से। आयुबुजिसिक मेडिसिन है वो पेन के लिए दी जाती है कि अगर पेन की शिकायत होती है, क्योंकि ये पेन के लिए सेफेस्ट मेडिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, आपने सुना होगा कि बच्चों में भी आयुबुजिसिक प्लस देते हैं, तो जो आयुबुजिसिक है वो सेफेस्ट मेडिकेशन कंसीडर करी जाती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे, मेडिसिन का नाम है मेफेनमिक एसिड। मेफेनमिक एसिड या फिर आपने सुना होगा मेफ्टाल स्पाज्म के नाम से मिलती है, डिसमेनोरिया होता है, फीमेल इसको लेते हैं। ठीक है, तो डोज की बात करें 250 mg या फिर 500 mg की डोज में ये अवेलेबल होती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन जैसी शिकायत, माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना, सो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो मेडिकेशन से हो सकते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होते, किसी किसी को होते हैं, बट ये फिर भी मेडिकेशन हम प्रेगनेंसी में सेफ कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जिससे बेबी को हार्म हो। देन बात करें हम एंटीबायोटिक की, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल को, स्किन इन्फेक्शन हो गया है या फिर किसी ऑर्गन का इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या एंटीबायोटिक वो ले सकती है? तो सबसे पहली मेडिकेशन की बात करेंगे हम सिफिक्स, तो मार्केट में ये सिफिक्स नाम से आपको मिल जाएगी। ड्रग की बात करें सिफेक्सिम होता है, डोज की बात करें 200 mg की डोज में अवेलेबल होती है, बीडी मतलब दिन में दो बार दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट होंगे स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना या फिर डायरिया, दस्त होना। अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो एंटीबायोटिक से मोस्ट कॉमनली आपको डायरिया देखने को मिल सकता है, इसीलिए एंटीबायोटिक को आफ्टर मील लेने के लिए बोला जाता है, वो भी हैवी मील लेने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकेशन मोक्स के बारे में। ठीक है, ड्रग का नाम है मोक्स, मतलब एमोक्सिसिलिन के नाम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगी, या फिर मोक्स नाम से भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी आपको। डोज की बात करें 250 mg BD, और BD का मतलब होता है दिन में दो बार, ये हमने पहले बात करी है इस बारे में। साइड इफ़ेक्ट की बात करें स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द होना, माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना या फिर डायरिया, डायरिया मतलब दस्त होना। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको एंटीबायोटिक के साथ देखने को मिलेंगे। देन थर्ड मेडिकेशन है एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसिन ड्रग का नाम है एरिथ्रोमाइसिन, डोज की बात करें 250 mg BD, बीडी मतलब दिन में दो बार। साइड इफ़ेक्ट अगेन सेम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्टमक पेन, माइल्ड मतलब कि जो पेशेंट होएगा वो पेट में दर्द की शिकायत करेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है मेडिसिन के बाद, माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या उल्टी का मन होना या फिर डायरिया, दस्त हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी शिकायत आपको होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ही है। ठीक है, मतलब ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बट फिर भी आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। देन मेडिकेशन फॉर गैस फॉर्मेशन, मतलब अगर प्रेगनेंसी में गैस फॉर्मेशन जैसी शिकायत हो रही है तो कौन कौन सी मेडिसिन ले सकती है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऐसी लोग के बारे में। ऐसी लोग ड्रग का नाम है रेंटिडाइन, मतलब आपने सुना होगा कि रेंटेक, रेंटिडाइन, ऐसी लोग इस नाम से ये अवेलेबल होती है। ठीक है, डोज की बात करें 150 mg की डोज में होती है और ये दिन में दो बार ली जाती है। यूजली जितनी भी ये मेडिकेशन है गैस फॉर्मेशन की, खाली पेट ली जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें स्टमक पेन, हेडेक, माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, डायरिया मतलब कि पेट में दर्द, उल्टी, सिर में दर्द, दस्त, ऐसी शिकायत हो सकती है। और जितनी भी मेडिकेशन है गैस फॉर्मेशन के लिए वो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि वो आप खाली पेट लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाना खाने से पहले।
देन हम बात करते हैं कि गैस फॉर्मेशन के लिए आप और कौन सी मेडिकेशन ले सकते हो। देन ओमी, ठीक है, मार्केट में आपको ओमी नाम से मिल जाएगी, ड्रग नेम है ओमेप्राजोल। डोज की बात करें 20 mg BD, मतलब ये 20 mg की डोज में अवेलेबल होती है और ये भी आपको दिन में दो बार लेनी होती है। साइड इफेक्ट की बात करें, स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द की शिकायत, हेडेक, सिर में दर्द, माइल्ड नोजियन वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना या डायरिया, तो ऐसी कॉमन कंप्लेन आपको सुनने को मिल सकती है। देन हम बात करते हैं मेडिकेशन की, पेंटोप। पेंटोप आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन ड्रग है आजकल, अपने हर किसी के घर में ये अवेलेबल मिलेगी पेंटोप। तो ड्रग नेम है पेंटोप्राजोल। डोज की बात करें 40 mg में अवेलेबल होता है, ये भी दिन में दो बार लिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्टमक पेन, हेडेक, माइल्ड नोजियन वॉमिटिंग या फिर और डायरिया, ठीक है, ऐसे मतलब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप पेंटोप ले रहे हैं तो। और जितनी भी मेडिकेशन है गैस फॉर्मेशन के लिए, सारी के सारी मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट सुबह सुबह ली जाएंगी, ठीक है। या फिर अगर आपको बीडी एडवाइस करा गया, मतलब बीडी मतलब दिन में दो बार एडवाइस किया गया, तो सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाना खाने से पहले ये सारी मेडिकेशन ली जाएगी, ठीक है। और अलोंग विद, अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हो गैस फॉर्मेशन के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि स्पाइसी फूड अवॉइड करें फीमेल, ठीक है, फ्राइड फूड अवॉइड करें, ठीक है, और मतलब ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी ना खाए। देन मेडिकेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन सेफ है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होना कॉमन है फीमेल के लिए, क्योंकि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है तो फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होने लग जाती है। तो सबसे पहले है स्मूथ। तो जो स्मूथ है ये कैल्शियम डोबिसाइलेट या फिर डिकोस्टे सोडियम कैप्सूल का कॉम्बिनेशन होता है। ये मार्केट में आपको डिकोस्टे के नाम से मिल जाएगा या फिर स्मूथ के नाम से अवेलेबल होता है। डोज की बात करें 500 mg BD, अगेन दिन में दो बार। साइड इफेक्ट डायरिया। ये दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब कब्ज को रिलीज करने के लिए, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है डायरिया, तो आपको देखना पड़ता है कि डायरिया तो नहीं हो गया है, ठीक है, या फिर नोजियन वॉमिटिंग जैसी शिकायत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूज। लूज सिरप के बारे में आपने सुना होगा कि लैक्टुलोज के नाम से ये मिलता है। डोज की बात करें तो 5 से 15 ml, मतलब ये सिरप की फॉर्मेशन में होता है। और ये एचएस का मतलब होता है रात को सोने से पहले, या तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि रात को सोने से पहले लीजिए या फिर सुबह या शाम दिया जाएगा। साइड इफेक्ट की बात करें डायरिया, मतलब दस्त हो जाना, नोजियन वॉमिटिंग, कि मेडिसिन को लेने के बाद उल्टी होना या फिर उल्टी जैसे मन की शिकायत होती है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी एलर्जी, कि प्रेगनेंसी में कोई भी एलर्जी हो जाए, स्किन एलर्जी हो जाए, ठीक है, या फिर मतलब कोई डस्ट एलर्जी है, तो इनके लिए कौन सी मेडिसिन सेफ है। तो अगर किसी भी तरह की एलर्जी अगर प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो सबसे सेफ मेडिसिन कंसीडर जो की जाती है एविल, ड्रग एविल। एविल इंजेक्शन फॉर्म्स में भी होता है और टैबलेट फॉर्म्स में भी होता है, ठीक है। जो एविल है वो आपको ड्रग नेम बोलेंगे, फिनरामाइन के नाम से आपको मिल जाएगा। डोज की बात करें 25 mg BD। साइड इफेक्ट डायरिया, डायरिया मतलब दस्त होना, डिजीनेस। मोस्ट कॉमनली अगर किसी भी पेशेंट को आप एविल दे रहे हैं या फिर वो एविल ले रहा है, तो आपको डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ये शिकायत आपको बहुत देखने को मिलेगी। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना या फिर उल्टी का मन होना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नर्सिंग कोच, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़।